वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी अपने प्रोडक्ट को लेकर के, व्हाट इज द वैल्यू फॉर मनी। कोई दवाइयां दे देता है 20,000 में, कोई कपड़े पकड़ा देता है 20-25,000 में, लेकिन अगर सही वैल्यू फॉर मनी की बात करते हैं तो असली वैल्यू फॉर मनी कम देते हैं, कम करके देते हैं, गोल्ड देते हैं, हॉलमार्क देते हैं, असली वैल्यू फॉर मनी देते हैं हम। आप चाहिए मार्केट में निकल जाइए, दवा के प्लान बताइए लोगों को, दवा के बताइए, हिचकिए मत, शर्माइए मत, सबकी गारंटी लेके हम बैठे हैं। पैदा हुए थे यही फिरोजाबाद में, पैदा हुए थे रामनगर चौड़ी वाली गली में, पैदा हुए थे, आज हम वहीं रहते हैं। अपना एड्रेस बता रहे हैं आपको, अपना एड्रेस बता रहे हैं और वहीं रहेंगे लास्ट तक, ये भी आपको हम बता रहे हैं। हम एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आए हैं जो प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आती है। मैं आपको बताता हूं, दिमाग में एक बात आती है कि 75% का हॉलमार्क है, 100% के पैसे क्यों लेते हैं। दिमाग में ये बात आती है, क्वेश्चन है भैया का, मैं समझ गया कि 75% का हॉलमार्क है, 100% के पैसे क्यों लेते हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी काम को करते हैं और जब वहां प्रॉफिट नहीं करेंगे तो अपने एम्प्लॉइज को देंगे क्या, देंगे क्या, देंगे क्या? नो। तो आपकी जो प्रॉफिट होती है मार्केट की, जो मार्केट में छिपा हुआ प्रॉफिट होता है, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, ये सारे जो प्रॉफिट निकाल करके लाते हैं, वही प्रॉफिट हम लोगों में बांटने का काम करते हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए इस बात पे अड़ जाता है कि नहीं आपका वो 25% तो हमारा फालतू जा रहा है, होते हैं कुछ लोग जो दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगाने के बाद इस बात पे अड़ ही जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। बोला 5,000 रुपए अगर बिजनेस के लिए तेरा जा रहा है तो तू ये बता दे भैया कि 5,000 में मार्केट में कौन सा बिजनेस शुरू होता है। हेलो, क्या होता है? नो। क्या हम कर सकते हैं? नो। नहीं, हम कोई भी बिजनेस 5,000 रुपए में मार्केट में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो तरी तरीके के लोग होंगे, अपना अपना दिमाग लगाएंगे, लेकिन आप गारंटी के साथ में लोगों को बताइए, हम एचएल प्रोडक्ट के साथ में काम करते हैं, गोल्ड प्रोडक्ट के साथ में काम करते हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ में काम करते हैं। तो निश्चित होकर के काम करिए। अभी समय चुकी देखिए बहुत कम है और इसलिए आज मैं भी आपको बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्त जो रिकॉग्नाइज होने हैं, जिनका अभी भी रिकॉग्निशन होना है। तो अभी आज इतना ही होगा आपसे, क्या भरोसा रखिए, सिस्टम के साथ जुड़े हैं, दमदारी से काम करिए, हम आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, प्योर लीगलिटी में आप काम कर रहे हैं। हर सिस्टम दोस्त एक सिस्टम होता है, मैंने बता दिया आप बिजनेस में हैं और बिजनेस में हमेशा ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, तो आप हमारे साथ मिलकर के मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं और एक दमदार वाला बिजनेस आपके साथ हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक रिकॉग्निशन ली, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ और जो लेने वाले हैं उनको बधाई देता हूँ। दोस्त, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बीच में मेरे फ्रेंड मिस्टर कुणाल सर बैठे हुए हैं, मेरे डायरेक्टर्स भी हैं साथ में, मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे बिजनेस में सहपाठी भी रहे हैं। लास्ट ईयर 2022 में 4 सितंबर को हमने एक प्रोग्राम किया था इसी हॉल में और उस टाइम पर चूंकि हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही थी, बहुत स्लो स्लो चल रही थी, स्टार्टिंग थी हमारी, तो उससे पहले प्रोग्राम से 1-1.5 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने फादर को प्रोग्राम में लेकर के जरूर आऊंगा, क्योंकि हर पिता का एक सपना होता है कि उसका बेटा बड़े अहदे पर पहुंच जाए। और जब मैं एक बड़े अहदे पर पहुंचा तो 4 सितंबर को प्रोग्राम था, उसे 1 महीने पहले हमने डिजाइन किया कि पापा को मम्मी को सबको लेकर के आएंगे और इस प्रोग्राम को बड़ा सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा कुछ मंजूर नहीं था। 4 सितंबर को प्रोग्राम था, उससे ठीक 5-6 दिन पहले मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हो गए और इतना ज़्यादा हो गए कि उन्हें आगरा सिनर्जी प्लस में भर्ती करना पड़ा। 4 सितंबर को प्रोग्राम भी हम उनकी अनुपस्थिति में किया और चूंकि हम ऐसा सोच रहे थे ठीक हो जाएंगे, पैसे की कोई बात नहीं थी, पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था और वो 6 सितंबर को हमारे साथ नहीं है। हमारे सर से हमारे पिता का साया उठ गया और हम उनको प्रोग्राम में लाने का जो सपना था
वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन एक पिता हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन आज दूसरे पिता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन पिता को यहाँ पर, हमारे कुणाल सर हमारे जो मित्र हैं उनके पिताजी यहाँ आए हुए हैं, मैं एक बार चाहूँगा उनको स्टेज पर कॉल करना, एक बार उनका अभिवादन बहुत जोरदार तालियों से दोस्त खड़े होकर के करें। वो भी हमारे पितातुल्य हैं, तो एक बार प्लीज वेलकम राहुल जी स्टेज पर आइए। बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेने का हमें